अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक D1 की चैलेंज योरसेल्फ फ्रॉम एक्सरसाइज 1, जो हमारा चैप्टर 1 है। D1 में चैप्टर 1 जो हमारा है, प्राइम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमने प्राइम नंबर्स स्टडी किए हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्टडी किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ा है एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर को। उसके बाद उसकी समरी, उसके बाद उसकी रिविजन एक्सरसाइज, और अब हम कर रहे हैं इसका चैलेंज योरसेल्फ। एक्सरसाइज 1A, 1B एंड एक्सरसाइज रिव्यू जो है वो सब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में D1 की बुक पे सर्च कर सकते हैं। अब हम आज कंप्लीट करेंगे अपना चैलेंज योरसेल्फ। पेज नंबर है हमारा 24। सो नंबर 1 है हमारे पास, द फिगर शोज द फेस ऑफ अ क्लॉक विथ 12 नंबर्स। एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक क्लॉक बनी हुई है। क्लॉक के फेस में कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 12 दिए हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स दिए हुए हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमें सॉल्व क्या करना है। अब सबसे पहले नंबर 1 हमें सॉल्व करना है, विच आर द 6 एडजेसेंट नंबर्स। वो कौन से 6 एडजेसेंट नंबर्स हैं? एडजेसेंट नंबर्स क्या होते हैं? एडजेसेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक ही सीक्वेंस को या एक ही नंबर लाइन को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, यानी सीक्वेंस वाइज फॉलो हो रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2 सीक्वेंस वाइज, 3, 4 सीक्वेंस वाइज, इस तरह से। सो विच आर द 6 एडजेसेंट नंबर सच दैट द सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर फॉर दी 6 नंबर इज प्राइम नंबर। अब इसको थोड़ा सा और से स्टडी करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा है कि 6 एडजेसेंट नंबर निकाल लो। हमने 6 एडजेसेंट नंबर निकाल लिए। अब वो एडजेसेंट नंबर ऐसे होने चाहिए कि जब हम उनका सम करें, सम मीन्स जब हम उनको प्लस करें, सम कहा जाता है ऐड के, ऐड करने को। जब हम उन नंबर्स को जो हमने एडजेसेंट के 6 नंबर्स निकाले हैं, 6 नंबर्स यानी पेयर पेयर में निकलता है 6 नंबर, यानी कि 2 नंबर्स हो गए एक पेयर, फिर 2 नंबर हो गए एक पेयर, फिर 2 नंबर्स हो गए एक पेयर। तो यानी कि जो हमारे 6 नंबर्स यानी 3 पेयर्स बने हैं उसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो भी आंसर आना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमने निकाल लिया। पहले यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, बुक D1 है, चैप्टर 1 है आपका चैलेंज योरसेल्फ, पेज नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम चैलेंज योरसेल्फ का। तो 6 एडजेसेंट जो मैंने क्लॉक से लिए हैं वो लिया है 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो ये मैंने एडजेसेंट नंबर्स ले लिए। अब इन एडजेसेंट नंबर्स को मैं चेक कर लेती हूँ सम निकाल कर, सम मीन्स इनको प्लस करके, कि ये जो है वो प्राइम नंबर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो 11 और 12 को जब आप प्लस करोगे, यानी 11 और 12 का जब आप सम निकालोगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 23 जो कि हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर। 1 और 2 हमारे पास जब प्लस हो जाएगा तो 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। 3 और 4 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो ये तो हमारा हो गया, हमने ऐसे 6 एडजेसेंट नंबर निकाल लिए जो कि सम करने के बाद प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, रीअरेंज द अदर 6 नंबर्स, यानी कि जो बाकी के 6 नंबर रह गए उनको रीअरेंज करना है। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखने के बाद उनको रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि जब उनका भी सम निकालेंगे यानी उनको भी जब प्लस करेंगे तो एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर इज प्राइम नंबर। तो जो भी 2 नंबर्स हमने एडजेसेंट नंबर के नाम पर लिए होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स बनने चाहिए। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू दिस, कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं? तो पहले तो हम अपने रिमेनिंग नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो रिमेनिंग नंबर्स हैं हमारे पास, क्लॉक में से अगर आप चेक करेंगे कि हम कौन कौन से नंबर्स निकाल चुके हैं, रिमेनिंग नंबर्स जो हमारे पास रह गए थे, अदर नंबर्स ऑफ एडजेसेंट आर, हमने यहाँ पर ले लिया था 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये हम ले चुके थे। तो हमारे पास रह गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर हमारे पास 11, 12 आ गया, 1, 2, 3 आ गया। ये हो गए हमारे पास बाकी के अदर 6 एडजेसेंट नंबर्स। अब हमें क्या करना है, इन एडजेसेंट नंबर्स को अरेंज करना है इस तरह से कि हम चेक कर सकें कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे। तो सबसे पहले हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये हमारे सारे नंबर्स आ गए क्लॉक में जो मौजूद है हमारे पास। एस वी ऑल नो के वन टू और थ्री, ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो हम स्टार्ट करेंगे फोर के साथ। हम फोर के साथ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को ऐड करके चेक करते जाते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं और कौन से प्राइम नहीं हैं। फोर के साथ हमने सम के साथ प्राइम नंबर निकालना है, वरना ऐसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सेवन प्राइम है, इलेवन प्राइम है, बट हमें इनको ऐड करने के बाद, सम निकालने के बाद बताना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोर के साथ वन टू थ्री नहीं लेंगे, वन टू थ्री हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है तो इनको हम निकाल देंगे। अब हमने फोर के साथ अगर फाइव लेते हैं तो फोर प्लस फाइव नाइन हो जाता है, नाइन प्राइम नंबर नहीं है। फिर फोर प्लस सिक्स टेन हो जाता है, टेन प्राइम नंबर नहीं है। तो फोर प्लस सेवन कर लेते हैं, फोर प्लस सेवन हो जाता है हमारे पास इलेवन, जो कि एक प्राइम नंबर है। इसी तरह से हम एक और चेक करेंगे फोर के साथ, एट को करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा, फोर के साथ नाइन को करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टीन। ये बन गया हमारे पास प्राइम नंबर। अब हम आ जाते हैं फाइव के ऊपर। फाइव के साथ हम किसको करेंगे, फाइव के साथ सिक्स को करेंगे तो वो इलेवन बन जाएगा। हमें खुद चेक करते जाना है कि किन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा। अब ये हम लाइन से चेक करेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, अगर हम आगे पीछे करेंगे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। इलेवन हो गया। और हम फाइव के साथ किसको ले सकते हैं, फाइव और सेवन ले लिया तो वो ट्वेल्व हो जाएगा, फाइव और एट ले लेंगे तो वो कितने हो जाएंगे थर्टीन। तो हम फाइव और एट ले लेते हैं, थर्टीन ये बन गया हमारे पास। फाइव और नाइन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फोर्टीन, जो कि हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। फाइव टेन जो है वो भी कॉम्पोजिट नंबर है, फिर ट्वेंटी वन भी। फाइव ट्वेल्व के साथ भी ले सकते हैं, सेवनटीन बन जाएगा, वो भी एक प्राइम नंबर है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये भी एक हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्स पर। सिक्स हम लेंगे फाइव के साथ, सिक्स प्लस फाइव इलेवन। फिर हमारे पास सिक्स आ जाता है, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन। कोशिश करेंगे कि सेम ही प्राइम नंबर्स निकालते जाएं हम। और फिर हम ले लेंगे सिक्स प्लस इलेवन तो ये बन जाएगा सेवनटीन। ये हो गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं सेवन पे। सेवन को हम करेंगे सेवन प्लस फोर के साथ। हम ऊपर से ले सकते हैं वन टू थ्री के अलावा, हम फोर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ले सकते हैं। सेवन प्लस फोर हो जाएगा इलेवन। फिर हम लेंगे सेवन प्लस सिक्स थर्टीन। फिर हमारे पास आ जाएगा सेवन प्लस टेन सेवनटीन। उसके बाद हम आ जाते हैं एट पर। एट यहाँ पे हम चेक करते जाएंगे जो जो नंबर्स हम ऑलरेडी, जैसे एट के साथ हमने क्या लिया था फाइव, तो हम फाइव के साथ एट लिया था तो एट के साथ भी फाइव ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्टीन। ओके, एट प्लस नाइन कर लेंगे सेवनटीन। फिर हम कर लेंगे एट प्लस इलेवन तो ये हो जाएगा हमारे पास नाइनटीन। अब हम आ जाते हैं नाइन पर। नाइन के साथ हम क्या क्या प्लस कर सकते हैं, नाइन प्लस थ्री कर लेते हैं, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, नाइन प्लस फोर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थर्टीन। टू नहीं ले सकते हम, वरना हम इलेवन भी बना लेते हैं। फिर हम ले लेंगे नाइन प्लस एट, ये हो जाएंगे सेवनटीन। फिर हम ले लेंगे नाइन प्लस टेन, ये हो जाएगा नाइनटीन। अब हम आ जाते हैं टेन पे। टेन प्लस सेवन सेवनटीन, टेन प्लस नाइन नाइनटीन। फिर हम आ जाते हैं इलेवन पे। इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन, इलेवन प्लस एट तो ये हो जाएगा हमारा नाइनटीन। तो इस तरह से हमने अपने जो प्राइम नंबर्स निकाले हैं फ्रॉम वन टू ट्वेल्व में से ऐड करने के बाद, तो वो हमारे बन रहे हैं इलेवन थर्टीन सेवनटीन और नाइनटीन। यही नंबर्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, इलेवन देन थर्टीन रिपीट हो रहा है, फिर सेवनटीन रिपीट हो रहा है, फिर नाइनटीन रिपीट हो रहा है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है द फिगर शोज अ शेप मेड अप ऑफ थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर। एक फिगर बना हुआ है जो कि तीन स्क्वायर्स को जोड़कर बनाया गया है, इस तरह से एक दो तीन।
डिवाइडेड इनटू फोर आइडेंटिकल पार्ट्स, हर एक फिगर को चार पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये बनी हुई हमारे पास फिगर, थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर बने हुए, हर स्क्वायर को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हम हर स्क्वायर को सिंपली फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फोर और फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, यानी तीन स्क्वायर्स हमारे जो कि फोर आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब अगर हम इन सारे पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, ट्वेल्व। यानी कि अगर हम थ्री और फोर का एलसीएम लेते हैं तो भी हमारे पास आंसर ट्वेल्व आ जाता है, यानी कि ये हमने बिल्कुल करेक्ट डिविजन की है। थ्री स्क्वायर्स को फोर आइडेंटिकल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, ये हमारे कंप्लीट थ्री स्क्वायर्स थे जिनको हमने फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास ट्वेल्व, और वैसे हमारे फोर थ्री स्क्वायर और फोर फोर पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फोर थ्री है हमारे पास, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 120 एंड 126। तो सबसे पहले हम एच सी एफ और एल सी एम निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो 120 सिंपल, सबसे पहले हम एच सी एफ और एल सी एम के लिए पहले इसको फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व ज़ीरो, टू थ्री ज़ा सिक्स ज़ीरो, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, वन नंबर यहाँ चला जाता है। अब हमारे पास आ गया 15। ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, और हम स्मॉलेस्ट नंबर्स को फॉलो करते हुए फिर बिगेस्ट नंबर्स की तरफ जाते हैं। ये हमारा प्राइम नंबर्स का रूल होता है, अगर हम डायरेक्ट बिगेस्ट नंबर से करेंगे तो हम बाद में स्मॉलेस्ट नंबर नहीं ले सकते। थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, अब हम आ गए फाइव वन ज़ा फाइव, तो ये आ गया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर। 126 को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा सिक्स, फिर हमारे पास यहाँ थ्री आ गया तो हम टू नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड नंबर आ गया, हम टू में हमेशा सिर्फ प्राइम नंबर्स ले सकते हैं। सो थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, देन सेवन वन ज़ा सेवन, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर्स में सबसे पहले हम एच सी एफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 120 के कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास आ गए, टू 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 थ्री एंड फाइव, और 126 में हमारे पास आ गया टू थ्री थ्री एंड सेवन। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन नंबर्स को निकाल लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर टू कॉमन है हमारे पास और हमारे पास थ्री कॉमन है, सो हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को लेते हैं एच सी एफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ कॉमन नंबर्स को लेते हैं। तो हमारे पास टू कॉमन है और थ्री कॉमन है, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो 120 और 126 का एच सी एफ क्या हो जाएगा, सिक्स। अब इसका एल सी एम क्या होगा, अगेन सेम नंबर्स का हमने किया हुआ है, हम सिर्फ इसका एल सी एम फाइंड आउट कर देते हैं। एल सी एम लिखेंगे हम 126 एंड 120, जो भी इनके हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो लिख लेते हैं, टू 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 थ्री फाइव, टू थ्री थ्री सेवन, ये हमने लिख लिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स रह गए हम वो भी लिखेंगे। जैसे कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये एक हो जाएगा, इसको हम वन पे काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री। यानी कि जो दो नंबर्स आपके पास कॉमन निकले वो आप एक ही उसमें काउंट करोगे, उसको आप दो बार काउंट नहीं कर सकते। ये हो गया वन टू थ्री, उसके बाद थ्री पे आ जाओ, थ्री आपके पास एक कॉमन आया है यानी कि वन, और ये मिलाकर हो गया टू, उसके बाद आ गया फाइव, उसके बाद आ गया सेवन। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू कितने टाइम्स है हमारे पास, थ्री टाइम्स, तो टू मल्टी टू थ्री टाइम्स का मतलब टू थ्री ज़ा सिक्स नहीं होगा बल्कि क्यूब है, इसका मतलब टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद थ्री को टू टाइम्स, फिर फाइव और फिर सेवन, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1520। डेसिमल पॉइंट है तो बाकी सारे नंबर जीरो हैं, 2520। ये हो गया हमारा एल सी एम और सिक्स हो गया हमारा एच सी एफ। अब हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे।
अच्छा, क्वेश्चन में हमें कहा था शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट कहा जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे HCF और LCM को, किसके HCF और LCM को, 120 और 126 को, जो यहाँ निकला हमारे पास, और फिर 120 और 126 को, दोनों को LCM को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है देखने के बाद कि आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं, और अगर इक्वल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF हमारे पास आया था 6 और LCM हमारे पास आया था 2520। अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2520, सो द आंसर इज 15120। पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट के बाद जीरोज हैं वो हम मेंशन नहीं करते। 15120 ये हो गया हमारे पास प्रोडक्शन, क्या था 120 मल्टीप्लाई बाय 126। तो अगर हम 120 और 126 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा जो हमारे पास HCF और LCM को निकालने के बाद आ रहा है। तो यहाँ तक तो हम अपना क्लियर कर चुके हैं कि हमारा आंसर दोनों कंडीशंस में बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अब हम 120 के और 126 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 120 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे थे, 2 था 3 टाइम और फिर 3 और फिर 5, और 126 के हमारे पास क्या क्या फैक्टराइजेशन बन रही थी, 2 था फिर 3 था हमारे पास 2 टाइम्स और फिर 7 था। ये हमारे पास नंबर्स थे जो हमने LCM और HCF करने के बाद निकाले थे। अब अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स हम खुद देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, 3 और 3 है, दोनों के पास पावर्स भी हैं, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर्स भी सेम आ रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं एक्सप्लेन में, वी यूज Each term of prime factorization किस किस के हमने सारी टर्म्स यूज की हैं, दोनों की, 120 की भी और 126 की भी, हमने सारे नंबर्स को यूज करके निकाला है, और चाहे वो आइदर LCM, या हम LCM कर रहे हों या फिर हम HCF कर रहे हों, हमने दोनों में सारे टर्म्स को यूज़ किया है 2 और 3 के प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन के तमाम नंबर्स को हमने यूज़ किया है। और जब हम एंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ 120 एंड 126 या फिर 126 एंड 120, दोनों क्या आ रहे हैं, इज इक्वल, दोनों का आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर आप 120 और 126 को करोगे तो भी 15120 आएगा, और अगर 120 और 126 को करोगे तो भी आपका आंसर 1520 आएगा। इसके अलावा अगर हम इन दोनों के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं, HCF यानी 6 और LCM यानी कि 2520, तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। जब आंसर्स हमारे पास हर कंडीशन में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दैट द आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट 3 इसका, कैन यू जर्नलाइज द रिजल्ट इन 2 फॉर एनी 2 नंबर्स। हम इसी तरह के किसी और नंबर में, किसी और नंबर के साथ, 2 नंबर्स के साथ हम सेम चीज़ कर सकते हैं LCM और HCF वाली। सो लेट्स चेक, हम चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, मैंने 2 नंबर्स लिए हैं 10 और 20। तो सबसे पहले हम 10 और 20 का HCF और LCM करके चेक कर लेते हैं। 10 का हम कर लेंगे 2 के साथ, 2 5 से 10, 5 1 से 5, और फिर सेम हम 20 का कर लेते हैं 2 के साथ, 2 10 से 20, 2 5 से 10 एंड देन 5 1 से 5। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको LCM और HCF दोनों फॉर्म में ले जाते हैं। सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे। HCF हम किस किस का निकाल रहे हैं, 10 और 20 का। तो 10 के हमारे पास HCF में कौन कौन से नंबर्स आ गए, 2 एंड
फाइव, और 20 के एचसीएफ में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए, टू टू एंड फाइव। अब हम इनमें कॉमन निकाल लेंगे टू और फाइव, सो टू फाइव सा टेन, यानी कि 10 और 20 का एचसीएफ हमारे पास आ गया 10। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम में भी सेम ही मेथड होता है। एलसीएम हम सारे नंबर्स दोबारा से लिख लेंगे, 10 और 20 के सारे नंबर्स लिख लेते हैं। 10 में हमारे पास आ गया 2 एंड 5, और 20 में हमारे पास आ गया 2 एंड 5। अब हमने क्या किया, पहले कॉमन निकाल लिए और फिर रिमेनिंग नंबर्स। अब कॉमन निकालने के बाद हम उस नंबर को एक ही बार काउंट करते हैं, दो बार काउंट नहीं करते। तो 2 हमारे पास हो गया 1 और 2, 1 2, 2 और 5 हमारे पास सिर्फ एक ही बार काउंट होगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास 10 और 20। अब अगर मैं अपने LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालती हूँ, जो कि है 10 एंड 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200। और अगर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, जो कि ऑलरेडी है 10 एंड 20, तो ये है 200। तो ये क्या है, बिल्कुल सेम है। कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट, यस वी कैन जनरलाइज द रिजल्ट, बिल्कुल सेम आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यस वी कैन जनरलाइज द रिजल्ट इन टू। अगर टू नंबर्स के साथ करते हैं तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आ सकता है एलसीएम और एचसीएफ के साथ। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट इन टू, इसी वाले रिजल्ट, इसी तरह के रिजल्ट को बनाना है नंबर 2 में, जिस तरह से बनाया है हमने एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट वगैरह करके, फॉर एनी थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स के साथ। अब उन्होंने पहले कहा था टू नंबर्स के साथ, तो वो हमने बना लिया, तो वहाँ हमने मेंशन कर दिया यस वी कैन जनरलाइज विद टू नंबर्स। अब हमें बताना है कि थ्री नंबर्स के साथ हम जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगेन हम कोई भी तीन नंबर्स ले लेंगे एग्जाम्पल में अपने पास। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कंसीडर एनी थ्री नंबर्स, तो कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम थ्री नंबर्स ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट किया है 10 और 20 के साथ, 25 ले लिया। 10 20 हम अभी कर चुके थे और हमने 25 ऐड कर लिया। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 10 20 और 25 की। सबसे पहले हम 10 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 5 10, 5 1 5 ही हम अभी कर चुके हैं। फिर हम 20 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अगेन स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं हमेशा, 5 1 5। अब हम आ जाते हैं 25 पे, 25 हमारा 5 से ही स्टार्ट होगा, 5 5 25 5 1 5। तो ये हमारा हो गया एक फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे, 2 एंड 5। फिर 20 की फैक्टराइजेशन में 2 2 एंड 5। फिर 25 में 5 एंड 5। अब हम अगेन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम, या हम यहीं से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, 10 20 और 25 का। कौन से नंबर्स कॉमन है इन तीनों क्वेश्चन में, तीनों पार्ट में कौन सा कॉमन है, हमें खुद कॉमन नज़र आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 5 कॉमन है, तीनों में 5 कॉमन है। तो इसका मतलब 10 20 और 25 में क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो HCF तो हो गया हमारा 5। LCM निकालेंगे हम, LCM किस तरह से निकलेगा, LCM अगेन वही वाला मेथड होगा कि पहले हम सारे नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास पेयर, हमारे पास पेयर में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है यहाँ पर, 5, दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, एक हो गया और फिर हमारे पास एक और 2 आ गया, तो ये 2 हो गए, 5 हो गया हमारे पास 1 और 1 ये रहा, तो ये हो गया 5, हो गए 2। सो 2 2 4 एंड 5 5 25, 4 25 25, 4 100। तो ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया 100 और एचसीएफ आ गया हमारा 5। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, तो हम अपने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं।
एलसीएम था हमारे पास, एचसीएफ था हमारे पास 5, एलसीएम था हमारे पास 100. 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500. अब 500 आ गया. नाउ हम जो ऊपर जो तीनों नंबर्स दिए हुए थे उनको चेक करते हैं, 10, 20, 25. इन तीनों को चेक करते हैं, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई पे 500 आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. यानी कि हम थ्री नंबर्स के साथ भी जनरलाइज कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 25. तो हमारा आंसर आ रहा है 5000, जो कि करेक्ट नहीं है क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो गए हैं. सो इसका मतलब है थ्री नंबर्स कैन नॉट बी जर्नलाइज. तो हमारा आंसर आ जाएगा नो, द रिजल्ट इन टू कैन नॉट बी जर्नलाइज फॉर एनी थ्री नंबर्स. यानी कि जो टू में हमारे पास नंबर आया है वो हमारा थ्री नंबर्स के साथ नहीं हो सकता. तो ये हो जाएगी हमारे पास एक कम्प्लीट स्टेटमेंट नंबर थ्री और नंबर फोर के लिए. पहले स्टेटमेंट इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि पहले हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं. सो फर्स्ट वाले में हमारे पास सॉल्व हो गया तो हम वहाँ मेंशन कर देंगे यस द रिजल्ट इन टू कैन बी जर्नलाइज फॉर एनी टू नंबर्स, यानी टू के साथ हम कर सकते हैं. बट फोर्थ वाले में हमारे पास आंसर सेम नहीं आ रहे तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे नो द रिजल्ट इन टू कैन नॉट बी जर्नलाइज फॉर एनी थ्री नंबर्स, वो तीन नंबर्स में नहीं हो सकता. तो ये हम सॉल्व करने के बाद, प्रूफ करने के बाद ही मेंशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ 6x4 रेक्टेंगल पासिस थ्रू 8 स्क्वायर्स. एक डायगोनल शेप यानी एक 6x4 का एक रेक्टेंगल बना हुआ है यानी 4 एंड 6, उसमें से एक लाइन क्रॉस करेगी. डायगोनल जो है हमारे पास क्रॉस लाइन को कहा जाता है जो दो लाइंस के बीच में से क्रॉस करती हैं, जो उसमें हमारे पास 8 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कंप्लीट 8 स्क्वायर्स, बाकी सब हाफ कट गया यहाँ से यहाँ से. सो हम 8 स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर, फिगर में जिस तरह से दिखाया जा रहा है. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द नंबर्स ऑफ स्क्वायर पास्ड थ्रू बाय अ डायगोनल. अब हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना है जिसमें हमें क्या यूज करना है, एम एन एन, यानी 6x4 की जगह हम एम एन एन यूज करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सके. तो हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, 6x4 का हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है ऑलरेडी और हमने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है जिसमें हम अपना एम एन एन को पुट कर लेंगे. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 एंड 4 का एच सी एफ ले लेते हैं, 6 एंड 4. सो 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4, 2 1 2. तो हमारे पास एच सी एफ क्या आ जाएगा, 6 और 4 का, 6 का आ गया 2 3, फैक्टर्स लिख लेंगे पहले हम, 4 का आ जाएगा हमारे पास 2 2 2 3. अब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कॉमन में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है. तो इसका मतलब कि 6 और 4 का एच सी एफ क्या हो जाएगा, 2. तो हमारे पास 6 और 4 का एच सी एफ आ गया 2. अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं. फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, एम प्लस एन माइनस एच सी एफ, ये है हमारा फॉर्मूला. अब अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, यानी कि ये हमने जो बनाया है फॉर्मूला ये सही है या नहीं. तो हम m की जगह पर 6 लिख देंगे, n की जगह पे 4 लिख देंगे और एच सी एफ हमारा आ गया था 2. 6 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 8, और हमारे पास स्क्वायर्स कितने थे यहाँ पर, 8 स्क्वायर्स थे. तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट बना है. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, पार्ट 1 पे. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट 12 आइडेंटिकल सॉसेजेस. 12 सॉसेजेस को कट करना है सो दैट दे कैन बी शेयर इक्वली अमंग 18 पीपल. ऐसे कट करना है कि वो 18 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएं. कितने सॉसेजेस, 12 सॉसेजेस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते हैं. 12 सॉसेजेस हैं और 18 पीपल में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाने की कोशिश करते हैं. सो हम इसको ले जाते हैं 6 की टेबल से, 6 2 12 6 3 18. यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 में डिवाइड होता है
ये आ गया हमारे पास टू थर्ड। टू थर्ड यानी कि अगर हम इसको साइड चेंज करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 2 × 3 जो कि हो जाता है 6। यानी एक सॉसेज, जिस सॉसेज को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। अभी ये नहीं पता है कि हम एक बंदे को कितने देंगे, अभी हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम अपने 12 सॉसेजेस को 6 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि एक एक को 6 6 पार्ट्स में कट कर रहे हैं, 12 12 6 72। 72 कितने लोगों में डिवाइड करना था, 18 में। 72 / 18 तो ये हो जाएगा 4। यानी एक इंसान को 4 कट मिलेंगे, 4 सॉसेजेस नहीं मिलेंगे, एक सॉसेज का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें से हर इंसान को 4 पीस मिलेंगे। फिर ये वाले 2 पीस और नेक्स्ट 2 पीस किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और उसको मिलेंगे। इस तरह से हमारा सॉसेजेस कट हो जाएंगे। तो कितने कट हो जाएंगे हमारे पास, 6 कट होने चाहिए। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर्स ऑफ कट, सबसे कम कितने कट्स होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन। अगेन ये वाले फॉर्मूले की तरह यहाँ पर भी एम एंड एन हो जाएगा, यानी एच सी एफ लेंगे हम यहाँ पर भी। रिक्वायर टू कट एम आइडेंटिकल सॉसेज सो दैट दे कैन बी शेयर्ड इक्वली इन टू एन पीपल। अब एम जो है वो कट हो जाएंगे और एन जो है वो पीपल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला हम बनाएंगे एन माइनस एच सी एफ इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, एन हो गया नंबर ऑफ पीपल, एच सी एफ निकालेंगे और फिर एम यानी के कट कर लेंगे। अब हम करके देख लेते हैं इसको सॉल्व भी, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये फॉर्मूला करेक्ट बनाया है या नहीं। एन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं, 18। क्वेश्चन में हमें अभी ऊपर गिवन था। हम एच सी एफ किसका लेंगे, हम एच सी एफ लेंगे 18 और 12 का। तो हम 18 और 12 का एच सी एफ भी ले लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, और उसके अलावा 12, जो दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पर गिवन थी, 12 और 18, हम उसका एच सी एफ ले रहे हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका एच सी एफ निकाल लेते हैं। 18 का हमारे पास हो जाएगा 2 3 3, और 12 का हमारे पास 2 2 3। कॉमन निकाल लेंगे, एच सी एफ के लिए हम कॉमन ही लेते हैं 2 और 3। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6। तो एच सी एफ आ गया 6, और जो है वो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, x निकाल लिया, और 18 - 6 हमारे पास 12 हो गया। यानी कि तीनों चीज़ें वही हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। 18 भी हमारे पास गिवन था, 12 भी हमारे पास गिवन था, और 6 भी हमने अभी अभी अपने आंसर में 6 कट्स निकाले थे। तो ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मूला हमारा एन माइनस एच सी एफ टू एम, ये हमारा फॉर्मूला है। सो ये हमारा लास्ट पेज था चैप्टर नंबर 1 का, चैलेंज योरसेल्फ, जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।